साथियों, सरकार सिर्फ वर्तमान सैनिकों के लिए ही नहीं बल्कि भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए भी पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। चाहे वह वन रैंक वन पेंशन की बात हो, उनके लिए हेल्थ केयर कवरेज प्रोवाइड करने की बात हो, उनके री एम्प्लॉयमेंट की बात हो या फिर उनके सम्मान की बात हो, हमारे वेटरन्स की वेलबींग के लिए हम हर संभव प्रयास के। जो भूतपूर्व सैनिक हैं वो आज भले ही रिटायर हो गए हों लेकिन एक समय पर वो हमारी सेना के जावां सिपाही थे। आज भले ही वह एक्टिव रूप से सेना में पार्टिसिपेट न करते हों लेकिन अपने पूर्व सैनिकों की भी चिंता की। सरकार बनने के बाद वन रैंक वन पेंशन जो 30-35 वर्षों से हमारे पूर्व सैनिक जिसकी मांग कर रहे थे, हम लोग 70,000 करोड़ से अधिक वन रैंक वन पेंशन के अंतर्गत दे चुके हैं। मेरे बहन, काम करना हम सबका नैतिक और राष्ट्रीय दायित्व है और यह एक सुखद संयोग है। थल सेना दिवस मना रहे हैं और कल ही भी मनाया है कि हम अपने वेटरन्स के सम्मान को सैनिकों से भी आगे रखते हैं। हम ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि माँ भारती हमें इतना सामर्थ्य दे कि हम सब जिस भी स्थिति में रहें अपने सैनिकों व भूतपूर्व सैनिकों के लिए हमेशा काम करते रहें। देश में सैनिकों के प्रति जो जिम्मेदारी है वो बखूबी निभा रहे हैं। सरकार द्वारा किसी भी काम के लिए जब फंड्स रिलीज किए जाते हैं तो उसके पीछे वित्त मंत्रालय काफी सोचता समझता है, लेकिन जब भारतीय सेना के लिए फंड्स की बात आती है तो मैं यह बात दावे के साथ कह सकता हूं कि बिना किसी विशेष सोच विचार के, बिना किसी नानुकुर के सेना की मजबूती के लिए मुंह मांगा फंड दिया जाता है। यह सबसे पहले मैं आप सभी को इस मंच के माध्यम से समस्त देशवासियों को भारतीय थल सेना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आज हम सबके सामने हमारे ब्रेव हार्ट्स ने जो कर्तव्य दिखाए वह एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और ब्रेथ टेकिंग थे। साथियों, पहले थल सेना दिवस पर जो भी आयोजन वह दिल्ली में ही किए जाते थे, लेकिन फिर हमने सोचा कि जब सेना में देश के अलग अलग क्षेत्रों से युवा जाकर जुड़ रहे हैं, अलग अलग हिस्सों से बेटे और बेटियां सेना में अपनी सेवाएं दे रही हैं, तो फिर थल सेना दिवस जैसा महत्वपूर्ण आयोजन का केंद्र सिर्फ दिल्ली ही क्यों हो। इसी सोच के साथ दिल्ली के बाद बेंगलुरु और बेंगलुरु के बाद आज लखनऊ में इसका आयोजन अधिक से अधिक लोगों को थल सेना दिवस से जोड़ने की मुहिम का एक हिस्सा है। साथियों, लखनऊ में मैं समझता हूँ थल सेना दिवस का आयोजन तो और महत्वपूर्ण हो जाता है, इसलिए नहीं कि लखनऊ मेरा संग। नमस्कार दोस्तों, वन रैंक वन पेंशन को लेकर सभी पूर्व सैनिकों के लिए बड़ी अपडेट यहाँ पर आ चुकी है। आपने आगे वीडियो क्लिप में देखा कि जो हमारे रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी हैं उनके द्वारा वन रैंक वन पेंशन ओआरओपी को लेकर काफ़ी बड़ा जो ऐलान है वो कर दिया गया है। यहाँ पर जो भी हमारे पूर्व सैनिक काफ़ी लंबे समय से अपना धरना प्रदर्शन अपना प्रोटेस्ट जारी रखे हुए थे जंतर मंतर पर, उसको लेकर आखिरकार अब जी हाँ कहीं ना कहीं हमारे भूतपूर्व सैनिकों की जो मेहनत थी वो रंग लाई और अब जो सरकार है वो बिल्कुल हमारे भूतपूर्व सैनिकों के सामने घुटने टेकने को तैयार हो चुकी है, क्योंकि चुनाव हैं वो बिल्कुल ही नज़दीक आ चुके हैं और अब सरकार को हमारे भूतपूर्व सैनिकों की वोटें चाहिए, तो उसको लेकर अब सरकार हमारे भूतपूर्व सैनिकों के सामने बिल्कुल ही घुटने टेकने को तैयार हो चुकी है। तो यहाँ पर जो हमारे रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी हैं उनके द्वारा ओआरओपी पर काफ़ी बड़ा जो ऐलान है वो कर दिया गया है। आपने जी हाँ, आखिर कौन कौन से जो डिमांडें वो लागू किए सरकार द्वारा आपको मैं इस वीडियो में दिखाऊँगा, और जी हाँ इसके ऊपर आपकी क्या राय है, क्या सरकार है दोबारा से वही यहाँ पर हमारे भूतपूर्व सैनिकों के साथ खेल खेलना चाहती है, जैसे कि 2014 और जैसे 2019 में खेला, पहले वोट ले ली उसके बाद फिर डिमांडों को लागू नहीं किया, तो इसके ऊपर आपकी क्या राय है आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, क्या सरकार ऐसा करना चाहती है। और आप आगे इस वीडियो को लिख में देखें कि आखिर केंद्र सरकार द्वारा आखिर जो हमारे रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी हैं उनके द्वारा ओआरओपी पर भूतपूर्व सैनिकों को की कौन कौन सी डिमांडें लागू कर दी गई है आप इस वीडियो में देख सकते हैं। अंतरीय क्षेत्र है बल्कि इसलिए क्योंकि अब धरती वीरों की धरती है। देश की सुरक्षा के लिए लड़ी गई हर लड़ाई में यहाँ के सैनिकों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। लखनऊ बेगम हजरत महल पार्क का शहर है, जिन्होंने लीक से हटकर प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में एक टुकड़ी को अपना नेतृत्व प्रदान किया था। यह धरती कैप्टन मनोज पांडे की धरती है, जिनकी वीरता की मिसाल देश के बच्चे बच्चे की जुबान पर है। इसलिए मैं समझता हूँ कि लखनऊ में हो रहा आज का यह कार्यक्रम अपना ऐतिहासिक महत्व रखता है। साथियों, थल सेना दिवस हम सबके लिए भारतीय सैनिकों के शौर्य पराक्रम व साहस को याद करने का दिवस।